अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे होंगे अल्लाह ताला की रहमत के साए में। सबसे पहले हम आप लोगों को खुश आमदीद करते हैं आपके अपने चैनल देसी डॉक्टर में, जिसमें हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं बहुत ही कमाल के देसी नुस्खाजात, खूबसूरती के लिए ब्यूटी टिप्स और घरेलू टोटके। तो आप हमारे चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद आपने सिर्फ ये करना है कि साथ बने बेल वाले आइकन को दबा देना है, उससे यह होगा कि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहेगी। एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुए बहुत ही कमाल की जानकारी लेकर। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं एक बहुत ही कमाल का नुस्खा आपकी असाबी कमजोरी के खात्मे के लिए। अगर आप असाबी कमजोरी का शिकार हैं, असाबी कमजोरी से निजात पाना चाहते हैं, तो आप ये नुस्खा इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा। असाबी कमजोरी एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान का असाबी निजाम मुतासर होता है। इसकी अलामत में इंसान के अज़ा का दुरुस्त तरीके से काम न करना शामिल है। अलामत में कांपना, अज़ा को मुकम्मल तौर पर हिला न सकना और चलने में तकलीफ जैसे मसाइल का शामिल होना है। मरीज को सोने में दुश्वारी के साथ साथ जज्बाती मसाइल का भी सामना करना पड़ सकता है। इस बीमारी के मुतालिक माहिरीन का कहना है कि वर्जिश करना इस बीमारी में मुतला अफराद के लिए बहुत ही ज्यादा अहम दवा साबित हो सकता है। जरूरी नहीं है कि इसमें बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्कआउट किया जाए, यानी कि बहुत ही ज्यादा कठिन वर्जिश की जाए। इसके लिए आप हल्की फुल्की वर्जिश को भी अपना सकते हैं। रोजाना सुबह की सैर आपको इस बीमारी में बहुत ज्यादा फायदा दे सकती है। असाब हरा में मगज से जुड़ा वो निजाम है जो हमारे पूरे जिस्म के तमाम अफाल को कंट्रोल करने में बुनियादी किरदार का हामिल है। रोज सुबह की सैर लाजमी करें, यह आपको इस बीमारी से निजात दिला सकती है। इसके अलावा अगर आप रोजाना की रूटीन में फल, खुश्क मेवाजात और सब्जी वगैरह का इस्तेमाल मुनासिब करते हैं, तो ये भी आपको इस बीमारी से निजात दिलाने के लिए बहुत ज्यादा मामन साबित होता है। इसके अलावा आप असाबी कमजोरी के लिए ये नुस्खा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। बहुत से लोग इसे आजमा कर फायदा उठा चुके हैं। कलौंजी आपने लेनी है 50 ग्राम, मेथरी लेने हैं 50 ग्राम और असकंद लेनी है 50 ग्राम। ये तीनों चीजें आपको किसी भी पंसारी की दुकान से आराम से मिल जाएंगी। तीनों अद्वियात का बारीक सफूफ बना लेना है। बना लेने के बाद आपने आधा चम्मच चाय वाला सुबह और शाम खाली पेट एक गिलास नीम गर्म दूध के साथ इस्तेमाल किया करना है। 21 दिन तक आपने इस्तेमाल करना है। उससे फायदा ये होगा कि आपकी असाबी कमजोरी और जिस्मानी तमाम दर्दें, जोड़ों का दर्द खत्म हो जाएगा। अगर आपको असाबी कमजोरी है तो आप ये नुस्खा इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं आपको ऐसी मजेदार हेल्थ टिप्स वाली वीडियोस मिलती रहे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारी वीडियोस को लाइक किया करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ लाजमी शेयर किया करें ताकि वो भी इससे फायदा उठा सकें। अगली वीडियो तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल, हमें दीजिएगा इजाजत, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।